हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों वर्ड प्रोनाउंस तो थोड़ा सेम होते हैं, बट इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। आइए देखते हैं क्या। पहले ये जो ऑर्बिट है वो 2D कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिटल 3D कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिट क्या होता है? ये होता है वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स वर सपोज टू मूव। जैसा कि सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सभी प्लैनेट एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड सभी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिटल टोटली अलग है। ये क्या है? स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये जो ऑर्बिटल, ये क्या होता है? न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेस है, एक 3D रीजन है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाने की प्रोबेबिलिटी से ज्यादा होती है। ठीक है, जो ऑर्बिट है ये बोर्स मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से है या उसके अकॉर्डेंस है, बट ऑर्बिटल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डेंस है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि अगर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है 2n2, जहाँ एन इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं एन इक्वल टू 1 रखूंगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट कितना आएगा? 2। वैसे ही अगर एन इक्वल टू 2 रखूँ, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट निकालूँ तो आ जाएगा 8। ठीक है, लेकिन 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 ऑर्बिटल जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे अधिक नहीं आ सकते। ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान देना है। अब देखिए, ऑर्बिट्स आर नॉन डायरेक्शनल। जाहिर सी बात है, ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं तो नॉन डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल ऑल अदर ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल। एक्चुअली क्या होता है, जो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप मतलब वो भी नॉन डायरेक्शनल होगा। और जो अलग और जो दूसरे ऑर्बिटल होते हैं पी डी एंड एफ, वो क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंशियल शेप के होते हैं। जैसे देखिए, पी होता है डबल शेप होता है, जो डी होता है डबल शेप होता है, और जो एफ होता है उसमें शेप की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, इसलिए वो डायरेक्शनल नहीं होता है। और जो पी डी एंड एफ होते हैं उसका शेप अलग होता है, इसीलिए वो क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ऑर्बिट्स है वो क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल है वो अलग अलग शेप के होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट अराउंड द न्यूक्लियस, सो देयर शेप्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब देखिए, जो ऑर्बिट है उसका कॉन्सेप्ट जो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन जो ऑर्बिटल है वो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, तो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।